फिक्र मत करो, बस एक बार मेरी शादी आशा के करोड़ों की जायदाद से हो जाने दो, तो तमाम जिंदगी ऐसी ऐसे। गजब हो गया। क्या हुआ? गांजा भांग चरस वाली ट्रक पकड़ी गई और उसके साथ ड्राइवर भी। क्या बकते हो? जी हाँ, पुलिस स्टेशन उसने आपके खिलाफ बयान दे दिया है और चारों तरफ पुलिस ने घेरा डाल दिया। मिलोर, मदन मल्होत्रा को चरस गांजा और अफीम की स्मगलिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, सख्त से सख्त दी जाए। मुजरिम के खिलाफ जुर्म साबित हुआ है, अदालत एक साल कैद की सजा देती है। बस फिलहाल एक साल गुजरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, मेरी इस जेल यात्रा के बारे में आशा को पता नहीं लगना चाहिए। ये लो चिट्ठी, उसे पोस्ट करते हैं। चलो आशा, मैं पढ़ाई के कारण एक साल लिए लंदन जा रहा हूँ, मिल नहीं सका, क्षमा चाहता हूँ। तुम्हारा, केवल तुम्हारा। धुंधले मरेगा, तैयार है ना? साधु महात्मा को तैयार होने समय नहीं लगता। चल फिर, चल हो जा। जो आ गया शीश। फूल न जाए फूल बाबा की आंखें, आज तेरे रास्ता पड़ा है, आज तेरे रास्ता पड़ा है, बाजू में बैठा है ढोल बाबा की। देख के चलो भाई, लगा तो नहीं भैया? लगा तो नहीं। ओरे उसका ढोल बाबा मंगिया के हो, सोला साल की पोटी देखो, सोला साल की पोटी देखो, उसका ढोल बाबा मंगिया के हो। मर गई है भोली मेरी, अब तू हो जा गोल पकड़ो, शंकर को पकड़ने आए थे। वाह, भगवान ने छुपने के लिए बड़ी अच्छी जगह बनाई है। छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं
तो तरस खाओ मुझ पर। तुम्हारे दुख को अभी सुख में बदल देता हूँ। तुम्हारे मारवार तो नहीं लगी जी? तुम्हें नजर नहीं आता क्या? बिल्कुल नहीं। पर तुम इन बदमाशों के जंगल में कैसे पड़ी? मैं कानपुर से अपने पति की तलाश में यहाँ आई थी। जैसे ही ट्रेन से उतरी ये बदमाश मुझे यहाँ ले आए। आपने बचा लिया, नहीं तो इस अंधे की दुनिया भी अंधेरी हो जाती। तुम्हारा पति रहता कहाँ है? मुझे पता तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। यही उनका पता है। अरे ये किस भाषा में लिखा है? सफाचट कोरा कागज। क्या कोरा कागज? लगता है हेरा फेरी हो गई तुम्हारे साथ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? ऐसा करो, कानपुर वापस चली जाओ, मैं तुम्हें सुबह की गाड़ी में बिठा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं कानपुर वापस नहीं जाऊंगी। मुझे वहां से मेरे लालची चाचा ने घर से बाहर निकाल दिया है। वापस नहीं जाएगी? नहीं। फिर तो मुंबई नगरी सर्वांची नगरी, एक ही तो शहर है जो हर भागे हुए निकाले हुए को संभाल रहा है। ऐसा करो, आज की रात तुम शंकर महल में ठहरो, कल सुबह देखेंगे क्या करना है। भैया भैया, भगवान कैसी कुंडली बनाई है अपनी। एक दोस्त दिया जिसे धुंधला नजर आता है, और अब बहन भेज दी जो बिल्कुल सफाचट। अपने दूरबीन का ख्याल रखना यार, नहीं तो धंधा चौपट हो जाएगा। आपने कुछ कहा? नहीं, हमसे कुछ नहीं। अरे ये तुम्हारी पोटली तो इधर रहेगी। इसमें कुछ मारवाल तो नहीं? नहीं। कुछ खाने पीने को? वो भी नहीं। कड़की भाई की कड़की बहन, वो अपना धुंधला प्रसाद है ना, उसने अपने पराठे बना के रखे होंगे। वाह, क्या लानत बरस रही है थोबड़े पर। क्या करूं, अगर चश्मा लगाता हूं तो मैं दुनिया से जाता हूं, अगर चश्मा नहीं लगाता हूं तो ये दुनिया मुझसे चली जाती है। अरे अरे बेटा सुंदर, कहां चले गए तुम? अभी अभी तो यहां थे सुंदर। लो संभालो तुम्हारा बच्चा। आके अपने बेटे को देख लो। मेरा बेटा नहीं, भांजा है। गंगा मेरी बहन है। शंकर। बोलो चाची। तुम तो कहते थे तुम्हारे आगे पीछे कोई है नहीं। फिर ये बहन कौन सी दुकान से उठा लाए हो? वही बच्चे वाली बिना पति के। वालिया, एक लफ्ज और मुंह से निकाला तो तान तोड़ दूंगा। तुम सब लोग बहुत इज्जत वाले हो ना, तो जाओ जाकर अपने घर बैठो। इज्जत के ठेकेदार, ले 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 ले, कितना प्यारा मुन्ना है रे। तू तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बस जल्दी जल्दी बड़ा हो जा, अपनी माँ का सहारा बन, उसे हर तरह का सुख दे। हाँ भगत, तू दुख देने के लिए पैदा हुआ है। छी छी छी, कैसी बातें करती हो गंगा बहन। देखना ये मामा की तरह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मैंने सब सुन लिया है, इसकी वजह से, मेरी वजह से तुम्हें दुनिया वालों के सामने बदनामी और घर में पैसों की परेशानी दोनों का सामना करना पड़ा है। नामी? अच्छा तुम इन कुत्तों की बात कर रही हो, ये तो हमारे मोहल्ले में बहुत है, लेकिन का मुंह तो मैं यूं बंद कर देता हूँ। और बाकी ये पैसे की बात, अपना बैंक बैलेंस बहुत है, सुंदर पैसों का बंदोबस्त बंदोबस्त मेरा मतलब पैसे निकलवाने गया है, आते हो। लो, अरे तुमने फिर रोना शुरू कर दिया। देखो तुमने मुझे भाई कहा है ना, तो तुम्हें अपने भाई की कसम जब रो। भैया अबे ओ धुल्ले,
दूध डालना भूल गया क्या? दूध कहाँ से लाऊं? दूध तुम्हारे भांजे के लिए रख दिया। भांजे के लिए नहीं, भांजे की माँ के लिए। एक ही बात है। चलो आज मारू चलेगी। मारू? हाँ, पंजाब में बगैर दूध की चाय को मारू बोलते हैं। ठीक है, हम भी मारू पियेंगे। बैठा ये ले। किधर? इधर। मुंह किधर है? ऐ की है। मुंह? हाँ। शंकर देख, एक तो पहले ही अपने दालूटी के वांदे थे, ऊपर से तेरी बहन आ गई, उसने बच्चा भी पैदा कर दिया। अबे ओ सुंदर, देख यार गुस्सा मत कर, मैं एक बात कर रहा हूँ तेरे साथ। अभी अपने खर्चे बढ़ गए हैं, ये लोकल ट्रेन के अंदर थर्ड क्लास के अंदर थर्ड क्लास पैसेंजर के थर्ड क्लास बट में हम लोग मारेंगे तो अपना काम नहीं चलेगा, कोई बड़ा काम करना चाहिए। तू ठीक कह रहा है, एक स्कीम आई है मेरे दिमाग में। दिमाग विच आइसक्रीम? अबे ओ, लगता है आंखों के साथ तेरे कान भी जा रहे हैं। स्कीम स्कीम आइडिया? हाँ आइडिया। अच्छा, तो आज शाम को सूट बूट पहन के तैयार रहना। ओके बॉस। या शंकर, अपनी किस्मत में तो हर चीज तंग लिखी हुई है। क्या हो गया तुम्हें? देखना, जेब तंग, आंखें तंग, नजरें तंग, और ये जो किराए का सूट लिया लॉन्ड्री से वो भी तंग। हे भगवान, आज हमारी किस्मत का फटक खोल देना। क्या हुआ? फट गई। किधर से? ये क्या आस्तीन से? चल यार चल। अच्छा हाँ हाँ, इधर से नहीं, इधर से। अरे तो ऐसा बोल रहा है यार, तू क्या समझता मैं अंधा हूँ? यार शंकर, कौन सी फिल्म चल रही है? ये कोई थिएटर रेस्टोरेंट है। तो तुम्हारा मतलब है लोग यहाँ खाना खाते हैं? इतने अंधेरे में उन लोगों को अपने हाथ मुंह कैसे नजर आ रहे होंगे? लगता है घाटे कहीं होंगे, जाता कहीं और होगा। उधर कहाँ जा रहा है? डांस इधर हो रहा है। क्या बोला? इसकी जरा बाजू हटिए। दीवारों से क्या बात है? यार शंकर, महिलाओं की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। नाक बंद कर, आंखें खोल, चश्मा लगा। अच्छा, अरे मेरी शिलू भी यहाँ पर है। मेरा तो काम बन गया, तू जाके अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। जेब शेक नहीं भूलना। नहीं, उसके दादा है ना राय साहब, वो बहुत बड़े करोड़पति हैं। अरे तुम करोड़पति की बात कर रही हो, मैं दर्जी मांग रहा हूँ, मेरी पतलून फट गई है। क्या काशी? करोड़पति? हाँ। उसकी पुत्री? हाँ। एकलौती? हाँ। कहाँ है वो? वहाँ डांस कर रही है। अरे वाह, माल पटाखड़ों से। ये तो मेरे दोस्त के काम आएगी। क्या? कुछ नहीं। हेलो, हाउ आर यू, वेयर आर यू? इधर। तो ये है हमारी जाकेट सुंदर, नाइस टू मीट यू। कुछ कम दिखाई देता है क्या? हाँ? कम सुनाई देता है। हेलो सुंदर। हेलो हेलो शंकर, शंकर आशा जी।
आशा जी। आशा जी, मेरे दोस्त से मिलिए, शंकर। शंकर, हेलो, हेलो, हाउ आर यू? शीला, मेरा हार। मैंने नहीं चुराया, मेरी माँ की कसम, मैंने नहीं चुराया, मैंने नहीं चुराया। अरे कौन कह रहा है? चलो उधर गिर गया हूँ। चलो शंकर, शंकर तू मत जाना। शंकर इधर आ। शंकर यार, वो हार उसको वापस दे दो। उसको क्यों वापस कर दूं? देख यार, तू एक छोटे से हार के लिए बड़ी तिजोरी खो रहा है। क्या मतलब? ये जो लड़की है ना, इसका जो दादा है वो करोड़पति है, ये उसकी एकलौती एक पोतरी है। अगर तूने इस पर अपना रंग जमा दिया ना, तो आप लोग का फ्यूचर जम जाएगा यार। तुम भी कभी कभी बड़े पते की बात कर रहे हो। अब देख मैं क्या करता हूँ। कहाँ गया? यही तो डांस कर रहे थे हम लोग। समझ में नहीं आता। आप कहने क्या? मिल गया आपको? जी हाँ। कहाँ मिला? वहाँ सोफे के नीचे पड़ा था। दीजिए। इस खूबसूरत हार की शोभा बढ़ाने का मौका आप मुझे देंगी? जी। मेरा मतलब है, अगर ये हार मैं आपके गले में डाल दूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे आ लो ना। चलो। करोड़पति दादा की इकलौती पोती, जल्दी मिलने आ रहा हूं। ग्रैंडपा, ये आप क्या कर रहे हैं? उम्र को लंबा करने के लिए ये सब चीजें छोड़ी थी, अब उम्र को कम करने के लिए इन्हें शुरू कर रहा हूं। मगर तू? इसलिए। अरे मदन की चिट्ठी आपने पढ़ भी ली है? हाँ पढ़ ली। कौन सी नई बात लिखी है उसने? वही पुरानी कहानी। अभी मेरी तालीम खत्म नहीं हुई, 6 महीने और नहीं आ सकता। आप तो बेकार नाराज हो रहे हैं ग्रैंडपा, जब उसने लिखा है तो आ ही जाएगा ना? ये तो मैं पिछले 2 महीने से सुन रहा हूँ, लेकिन कब? कब बोलो कब आएगा? जब मैं ऊपर चला जाऊंगा तब। ग्रैंडपा प्लीज, बातें मत कीजिए। ऐसा न कहूँ तो क्या? एक तुम हो जो उसके सिवा किसी दूसरे से शादी नहीं करना चाहती, और एक मदन है जो लंदन से वापस आने का नाम नहीं लेता, और मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। नहीं ग्रैंडपा, मैं नहीं पीने दूंगी। प्लीज दादू। काश बेटी, ये तो तू अच्छी तरह जानती है कि इंजेक्शन और गोलियों के सहारे जिंदगी की गाड़ी इस उम्मीद पर खींच रहा हूं कि जीते जी तुझे किसी के हाथ में सौंप कर चैन की नींद सो सक। ऊपर जाकर तुम्हारी मम्मी डैडी और तुम्हारी दादी से कह सकूं कि जो फर्ज तुम ला छोड़कर चले आए थे, मैं उसे पूरा करके आया हूं। मैं उसे पूरा करके आया। ऐसे मत कहिए दादा, मैं आपको दुखी करना नहीं चाहती। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। सच? सच? हाँ। तो काम करो, तो आज ही मदन को चिट्ठी लिख दो कि 1 हफ्ते अंदर मेरे जन्मदिन पर आ जाए, तब मैं तुम्हारी पसंद पर गौर करूंगा, और अगर नहीं आया तो जिससे मैं चाहूंगा उसे तुम्हें शादी करनी होगी। मंजूर? जी हाँ मंजूर। मेरी बेटी कितनी अच्छी, मेरी बेटी कितनी अच्छी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। अरे बाप रे, मम्मी क्लब से आ गए, अब क्या होगा? अरे अब क्या होगा जब अब तक कुछ हुआ ही नहीं। चलो चलो अलमारी में छुप जा। आए मम्मी। अरे आशा तुम इस वक्त? क्या बताऊं शीला, मेरी तो नींद हराम हो गई है। समझ में नहीं आता अब क्या होगा। बात क्या है? मदन का लंदन से लेटर आया है कि वो 6 महीने तक और नहीं आ सकेगा, बिग बोर कहीं का। 6 महीने? मेरे ख्याल से वो आएगा नहीं। क्या बकवास लगा रखी है शीला, और क्या कहूँ, मुझे तो तुम्हारे स्मदन के प्यार पर जरा भी भरोसा नहीं। ग्रैंडपा भी तो यही कहते हैं, और अब तो उन्होंने आखिरी फैसला भी कर लिया है। क्या? कहते हैं कि अगर मदन उनके जन्मदिन तक नहीं आया तो किसी के साथ भी मेरी शादी कर देंगे। तो इसमें डरने की क्या बात है? ट्रंक कॉल पर मदन को सब कुछ बता दो। अगर उसे आशा से प्यार है तो क्या वो 2 दिन के लिए हवाई जहाज से यहाँ नहीं आ सकता? नहीं आ सकता तो क्या हुआ? कान पकड़ कर लाया तो जा सकता है। सुंदर तो? नहीं तो क्या कुत्ते की दुम? आशा जी, ये तो भगवान की लीला है,
आप अपने ग्रैंडपा का दिल नहीं तोड़ सकती और आप अपने मन से मदन का ख्याल भी नहीं निकाल सकती, यही बात है ना। हाँ तो हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। ये क्या इतना हल्का हाथ, अरे पैसे वाला हाथ दीजिए। ये क्या कह रहे हो सुंदर? ओफो, आजकल लंदन आने जाने में महंगाई के जमाने में काफी पैसा खर्चा होता है। पैसा मेरे हाथ में रखो, उसके बाद में देखो सुंदर का कमाल। आपके ग्रैंड पा जन्मदिन से पहले ही आपके पहलू में होगा आपका मटन मदन लाल। मदन मल्होत्रा? हाँ जी वही मल्होत्रा। कितने पैसे चाहिए आपको? अब देखिए आने जाने की टिकट तो आप निकाल रही हैं, दो चार सूट भी बनाएंगी क्योंकि लंदन में आजकल काफी बर्फ गिर रही है और वैसे मेरी पॉकेट के लिए यानी जेब खर्ची के लिए मुझे 1000-1500 रुपए काफी होंगे। ये लीजिए, ये रहे आपके पैसे। हाँ, बाकी मदन को यहाँ लाना आपका। हाँ जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप यूँ समझ लीजिए कि आपका मदन आपके बाजू में खड़ा है जी। अब आ जाएगा मदन। ज्यादा हो गया। बाय। कितना पैसा हुआ? 22 रुपए 25। देता है। कीप द चेंज। थैंक यू सर। अबे आओ छोटा इधर आ। अरे क्या करता है यार, मेरे पास और भी माल है। अरे कहां से है? बात दरअसल ये है यार, कल मैं शीला के पास गया था रात को, वहां आशा भी मिली थी। उसका एक दोस्त है, उसका नाम है मदन मल्होत्रा, विलायत में रहता है, विलायत से वापस नहीं आना चाहता और आशा उसको प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। आशा के ग्रैंडपा ने आशा को नोटिस दी है कि मेरी सालगिरह मतलब ग्रैंडपा की सालगिरह जो एक हफ्ते के बाद में है, तब तक अगर वो मल्होत्रा नहीं आया और शादी नहीं हुई तो ग्रैंडपा आशा की शादी किसी भी फुटपाथी के साथ में कर देंगे। ये तो बहुत बुरा होगा। बुरा क्या? आगे सुन, आशा की आंखों में ये मोटे मोटे आंसू लब कप रहे थे और वो कांपते हुए कह रहे थे मदन। मैंने उसे घबराया हुआ देखकर फौरन तैयारी शुरू कर दी और उससे कहा कि बहन आशा, मैं मदन मल्होत्रा को विलायत से कान पकड़ कर ले आऊंगा। उसने फौरन कह दिया कि आने जाने का किराया भी दूंगी और ये 1000 रुपया गर्म कपड़े बनाने। अरे कब है उसके ग्रैंडपा के साथ? यार जैसा मैं अंधा वैसा तू बहरा। मैंने बोला ना अगले हफ्ते के बाद। अब हम अमानत में खयानत नहीं करेंगे। मदन को लाने की जिम्मेदारी हमारे। क्या हमारी का क्या मतलब है? यानी अपन दोनों की ना? हाँ बेटा अपन दोनों की। मैं समझा अकेला क्रेडिट ले रहा है। पैसे लाने करो बकरी, तुम हालत देख रहे हो तुम। अरे ये क्या कर रहा है? पर्दे को ठीक है, ठीक है, उधर से नहीं। हाँ इधर से। तू नीचे खड़े का मुंह क्या देख रहा है? उसकी मदद कर ना। तो तेरे सुंदर आया है और ना ही मदन का कोई पता है, और आज वो दिन आ गया है जब ग्रैंडपा अपनी पसंद का फैसला कर देंगे और मुझे जिंदगी भर के लिए उनका फैसला मंजूर करना पड़ेगा। उफ, समझ में नहीं आता क्या करूं और क्या ना करूं। हेलो, हू स्पीकिंग प्लीज? सुंदर, कहां से बोल रहे हो तुम? मदन आ गया? एयरपोर्ट पे है? अच्छा अच्छा तुम ठहरो, हम लोग अभी आते हैं। हाँ ठहरो, चलो शीला चलो। मदन आ गया। क्या मदन आ गया? हाँ दादू, अभी अभी एयरपोर्ट से फोन आया था, कस्टम क्लियर करने के लिए कुछ टाइम लगेगा, आप भी चलिए ना उसे रिसीव कर ले। चलिए। हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, लेकिन मैं इस हालत में तो तैयार भी नहीं बेटा। अच्छा तैयार होके एयरपोर्ट पहुँच जाइए, हम लोग चलते हैं। हाँ चलो शीला, जल्दी आ जाइएगा। अच्छा हाँ। जी हाँ, मैं आपका मदन मल्होत्रा। सुंदर, सुंदर मदन कहाँ है? अरे वो मदन नहीं तो क्या मटन है? ये क्या मजाक है, ये तो शंकर है। मैं पूछती हूँ मदन कहाँ है? मदन लंदन में, वो इम्तिहान दे रहा है। और आप यहाँ मोहब्बत का इम्तिहान दे रही हैं? आप बीच में मत बोलिए, तुमने मुझसे फोन पे झूठ क्यों बोला था? तुम्हारी भलाई के लिए। मेरी भलाई के लिए? यू लायर यू चीट। ओ शीला, वही होगा मैम साहब जो आप चाहेंगे। मिस्टर शंकर, मिस आशा, देखिए यहाँ आप थोड़ी गड़बड़ कर रही हैं। आप जरा शंकर को दूर रखकर मदन को करीब लाइए, सब ठीक हो जाएगा। इम्पॉसिबल, मैं ग्रैंडपा से इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। अरे देखो ग्रैंडपा रहे। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? अरे जरा सी तो बात है, थोड़े दिन के लिए इन्हें मदन कह के ग्रैंडपा से मिला दो, इसे हरा के बाद में निपट लेंगे। समझ में नहीं आता क्या करेंगे। अरे आशु बेटिया तुम यहाँ हो, मैं सारा एयरपोर्ट ढूंढ रहा है।
मदन कहाँ है? मदन मदन। हेलो यंग मैन, अरे ये क्या कर रहे हो? आपके चरणों की धूल से शायद मेरा ये जीवन सफल हो जाए। दादाजी आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। जरूर जरूर, लंदन में रहकर भी अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद पर विश्वास करते हो? लंदन में रहकर मैं अपने प्यारे भारत की प्यारी सभ्यता कैसे भूल सकता हूँ। आशु, तुम्हारे मदन से मिलकर बड़ी खुशी हुई, और उससे ज्यादा इसके विचार सुनकर। आओ चलो चलो। अरे भाई खान, ये मेम साहब के साथ नया आदमी कौन है? ये बलैती बाबू है मन मल्होत्रा, हमारा मेम साहब से शादी बनाता है, समझा? माचिस। मदन मल्होत्रा। नमस्ते बॉस। बगैर बुलाए हुए कैसे आना हुआ? कुछ काम ही सफल गया था बॉस। साफ साफ बताओ बात क्या है। लंदन से आप यानी मदन मल्होत्रा वापस आ गया है। क्या? और राय साहब ने आशा की उससे मंगनी भी पक्की कर दी। क्या पक? क्या पकते हो? कैसे हो सकता है? वो बैरूपी असरूर के बहुत बड़ा जालसाज है जिसने भोली भली आशा को किसी तरकीब से फंसा लिया है। तुम लंदन में नए खत पोस्ट करते रहे ना? यस बॉस। और सुरेश उन्हीं खतों को यहाँ आशा के एड्रेस पर भेजता रहा? यस। मैं आशा जैसी सोने की चिड़िया को बड़ी मुश्किल से मुट्ठी में दबा कर रखा हुआ हूँ और उसे मैं किसी कीमत पर खो नहीं सकता। तुम उस बदमाश बैरूपी मदन पर कड़ी नजर रखो और मालूम करो कि वो कौन है, कहाँ है और क्या करता है, समझे? यस बॉस। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे जन्मदिन पर आप लोगों की शुभकामनाओं और प्रेजेंस का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरी आशा बेटी ने भी मुझे एक ऐसा प्रेजेंट दिया है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था, और वो प्रेजेंट है मेरा होने वाला दामाद मदन मल्होत्रा। आज मैं इन दोनों की आप लोगों के सामने सगाई का ऐलान करता हूँ। वो मारा, अब मेरे दोस्त का काम बन गया। शीला, अरे मैं यहाँ हूँ। I'm sorry। हर एक लड़की को जाकर पकड़ लेता। लो बेटी, अपने हाथ से उठ जाओ। लो बेटा, अब तुम। यस। किया जो तुम चाहती थी। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं, अकेले में। आप क्या मुझे बताओगी? मुबारक हो, मुबारक हो मदन साहब, मदन साहब मुबारक हो। मदन, मदन साहब आइए। यार तूने तो बड़ा तगड़ा हाथ मारा है, जल्दी से अंगूठी दिखा। बाप रे, बहुत भारी अंगूठी। ये तो आगाज है सुंदर साहब, आगे देखिए क्या होता है। क्या पत्थर होगा, तुमने अपना काम तो कर लिया, मेरा क्या होगा? कमीने, मैंने तुम्हारे लिए भी सोच रखा है। देखनी है क्या अच्छी अच्छी आसामियां आई हैं। मैं इन्हें मस्त बनाता हूँ और तुम जरा हंस दिखाओ इनको। क्या माल साफ करता? लेकिन कैसे, मैं समझा नहीं। हाँ
माइक का है, माइक। अच्छा इधर इधर लेडीज एंड लेडास आई मीन जेंटलमैन, मैं इसी के अल्सर पर अवसर पर अपने मित्र मदन मल्होत्रा से प्रार्थना करूंगा कि वो एक गीत प्रस्तुत करें। बंदा परवर मैं कहां, ये आपकी महफिल कहां। बंदा परवर मैं कहां, ये आपकी महफिल कहां। आपकी बंदा नवाजी है, मैं इसका फिर बंदा परवर मैं कहां, ये आपकी महफिल कहां। आपकी बंदा नवाजी है, मैं इसका फिर की महफिल कहां। ये आप हैं, मैंने तो क्या आपके पाप है। आपकी नजरें सुनाती है कहानी आपकी, इस मोहब्बत में है शामिल मेहरबानी आपकी। खूबसूरत आपकी नजरों मेरा दिल कहां। बंदा परवर मैं कहां, के आपकी महफिल कहां। आपकी बंदा नवाजी है, मैं इस काबिल कहां। बंदा परवर मैं कहां, ये आपकी महफिल कहां। मेरी राहों में बहारों के गुलिस्तान खिल गए, फिर मिलती मुझे मंजिल कहां। बंदा परवर मैं कहां, ये आपकी महफिल कहां। आपकी बंदा नवाजी है, मैं इस काबिल आउट। क्यों? आई सेड गेट आउट। मैंने क्या किया है? सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो। पार्टी में तो इस तरह बिहेव कर रहे थे जैसे सचमुच मदन तुम हो। लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए तो सब... Will you please shut up and get out? ना मैं तुम लोगों की मैं आके दादू से झूठ बोलती, ना ये बात यहाँ तक पहुँचती।
मैं अभी घर जाकर दादू को सब कुछ बता दूंगी। ठीक है। यू गेट आउट। नमस्ते। जाते कहाँ हैं? जरा ये तो देते जाइए, कीमती है यू नो। कीमती हाल ही मैम साहब, अकड़ किस बात की? पराई चीज को अपना नहीं समझ लेना चाहिए, समझे? ये सूट भी तो आपका है। तो देते जाओ ना। उफ, ये कैसे निकालते हैं? टर्न अराउंड। ऑलराइट, नाउ गेट आउट। गो टू हेल, डैम्ड इट। पतरीस कहीं का पतलून सुबह लेती जाइए। घर तो ऐसे लगे थे जैसे बाप का माल है। और तो कोई दुख नहीं, साली अंगूठी ले। ठीक है मेम साहब, एक दिन मिलने आऊंगा। बाय बाय। केस ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरे दादू को किसी बात का खतरा तो नहीं? घबराओ नहीं बेटी, हौसला रखो। डॉक्टर वर्मा ने नींद का इंजेक्शन दिया है। सुनो, ये मदन को बहुत याद कर रहे थे। सुबह जब इनकी आंख खुले तो मदन का सामने होना जरूरी है। डॉक्टर साहब आइए, मैं आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट समझा दूं। ओके डॉक्टर। शंकर, शंकर, शंकर। आप आए? आप शंकर के गरीब खाने पर बैठे बैठे तशरीफ रखिए। लेकिन आपके घर जैसी ठाट बाट तो यहाँ नहीं है, ना अच्छा सोफा है, ना अच्छी खाट है, फिर भी आप इस पर विराजी हैं। मैं बैठने नहीं आई। अरे हाँ समझा, आप तो अपने कपड़े लेने आई है ना। यही पतलून, यही कमीज, बाकी कपड़े लेकर आता हूँ। शंकर, मैं कपड़े नहीं, तुम्हें लेने आई हूँ। कल नौकरी से निकालते वक्त तो बड़े रोब से कह रही थी कि ग्रैंडपा को सब कुछ बता दूंगी। काश मैं उन्हें सब कुछ बता सकती। क्यों, ऐन मौके पर दिल ने जुबान को रोक दिया? मेरे दिल ने नहीं, दादू के दिल ने। कल रात उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। उनकी जान बचाने के लिए तुम्हारा उनके पास होना बहुत जरूरी है शंकर। दिल का दौरा और मेरा उनके पास होना बहुत जरूरी है। मेम साहब आपने मुझे समझ के रखा है। आप जब जो चाहे मैं बन जाऊं। आपका मदन इंग्लैंड नहीं लौटा तो मैं आपके लिए मदन बन जाऊं। आपके ग्रैंडपा का दौरा पड़े तो मैं उनके लिए खुरम का इंजेक्शन बन जाऊं। सॉरी मिस आशा, मैं आपके लिए सब कुछ नहीं कर सकता। शंकर, इस काम के लिए मैं तुम्हें कीमत देने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल ये लो 10 रुपए। ग्रैंडपा की जान बचाने की कीमत सिर्फ 1000। उनकी जान बचाने के लिए मैं अपनी सारी ताकत हूँ शंकर। तो तुम क्या समझ, ग्रैंडपा की जान बचाने के लिए मुझे दौलत चाहिए? मैं इंसान हूँ, रुपयों का लोभी नहीं। एंगेजमेंट रिंग होगी आपके पास, प्लीज। थैंक यू शंकर, थैंक यू सो मच। तभी कैसी है ग्रैंडपा? ऐसा लगता है बुला आ गया। भगवान जाने तुम दोनों की शादी देखना नसीब में है। ग्रैंडपा, ये कैसी बातें कर रही हैं? मदन, इस दुनिया में मेरे सिवा इसका कोई नहीं, इसीलिए इस वक्त हाथ में तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूं। वो तो ये हाथ कभी नहीं छोड़ते। क्या सोच रहे हो बेटा? ग्रैंडपा, इसमें वचन देने की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। डॉक्टर, अरे इधर आइए, उधर नहीं। कहिए विश्वनाथ सर, कैसे हैं?
इतनी जल्दी कैसे आना हुआ? बात दरअसल ये है डॉक्टर कि हमारे धंधे पानी में नजरें तेज और चश्मा पतला चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा है, नजरें पतली और चश्मा मोटा होता जा रहा है। मिस्टर सुंदर, अपना पैसा और मेरा वक्त बर्बाद करने पर क्यों तुले हैं आप? अगर चश्मा पहनते ही नहीं तो इसे बनवाने से क्या फायदा? मिस्टर जैक्सन, यस प्लीज। शीलो, तुम यहाँ कब से आए हो? मैं मम्मी का चश्मा लेने आई हूँ। ओह, तो मम्मी को भी चश्मा लगता है? हाँ, मिस्टर जैक्सन, चश्मा तैयार है। ओह यस, मिस्टर सुंदर, मैं भी आया। ओके, सी यू। शीला जैक्सन क्या? हाँ। शीला प्यारी, कब तक रहेगी हमारी मोहब्बत कुंवारी? अब मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे फौरन तुम्हारी बेटी से मिलना होगा। बेटी कहाँ से होगी, मम्मी तो तुमसे मिलने भी नहीं देती। वही मेरा मतलब है, तुम्हारी मम्मी से मिलना होगा। कोई फायदा नहीं सुंदर, मम्मी को सफेद पोशी से सख्त नफरत है। क्यों? वो कहती है सफेद कपड़ों से आदमी की पोजीशन का पता ही नहीं चलता, इसीलिए वो मेरी शादी किसी मिलिट्री ऑफिसर से चाहती है, कर्नल, मेजर या कम से कम कैप्टन। मिस शीला, ये रहा मिसेस कर्नल का चश्मा। कितने पैसे? 30 रुपए। ये लीजिए। बाय बाय सुंदर। बाय शीलू। बाय। अच्छा, तो माँ बेटी के लिए कैप्टन, मेजर और कर्नल मांगती है? कोई बात नहीं, 3-1 दूंगा, 3-1। ना तो ये फ्रेम मेरा है और ना ये मेरे नंबर के शीशे हैं, कहाँ से उठा लाई? जैक्सन से ही तो बनवा के लाई हूँ मम्मी। पत्थर बनवा कर लाई है, मैं कल सुबह जाके इनकी खबर लेती हूँ। देख तो जरा कौन है। सुंदर, आप? सुंदर नहीं, कैप्टन सुंदर एंड कंपनी को। तुमने कहा था ना, तुम्हारे घर में सिवाय मिलिट्री ऑफिसर के और कोई नहीं आ सकता। देखो सारे मसाले। लेकिन आप तो बिल्कुल जोकर नजर आते हैं। मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना दिल पर। मम्मी है अंदर, मम्मी है अंदर। ओह, तो गलती हो गई, आहिस्ते बोला चाहिए। कितनी खूबसूरत हो तुम। ये क्या? ये एक आला है, दूर की चीज नजदीक लाने के लिए। कौन है शीला? मम्मी, तो तुम बोलो ना, कैप्टन कैप्टन सुंदर है, बोलो बोलो ना। मम्मी, कैप्टन सुंदर आए हैं। कैप्टन सुंदर? अरे तुमने अंदर ले आओ बेटे, जल्दी ले आओ। ओहो, क्या मुसीबत है, चश्मे के बगैर दिखाई भी नहीं देता, आज ही गड़बड़ की थी। मम्मी, ये है कैप्टन सुंदर, ये मेरी मम्मी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये लीजिए मम्मी। ये क्या है? ये एक नाचीज तोहफा है, बजाय फूल के फुग्गे हैं। जस्ट फॉर अ चेंज। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। आइए बैठिए। चलिए आइए, आइए बैठिए। सूबेदार, सूबेदार। यस मिसेस कर्नल। कैप्टन साहब का तोहफा रखो। यस मिसेस कर्नल। कैप्टन सुंदर जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, आपकी बेटी शीला मुझे अच्छी तरह जानती। क्यों शीला? लेकिन मुझे शीला ने कभी बताया नहीं। जी कैसे बताती, जुमा 8 दिन तो हुए हमारी मुलाकात। अच्छा खैर, कोई बात नहीं, ये तो बताइए आना कैसे हुआ? जी बात दरअसल ये है कि जैक्सन की दुकान पर आपका चश्मा एक्सचेंज हो गया था, तो मैंने दुकान वाले से आपका एड्रेस पूछा और यहाँ चला आया। ये लीजिए आपका चश्मा। लाइए। लीजिए ना। दीजिए ना। दे तो रहा हूँ, लीजिए। ओह थैंक यू। देख शीला, मैंने कहा था ना, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ चश्मे की दुकान पर होगी। तो ये कोल्हू के बैलों की आंखों के ढक्कन का जैसा चश्मा आपका है क्या? मेरे बाप के बाप का है। लीजिए अपना चश्मा। दीजिए। लीजिए ना। दीजिए ना। चश्मे के बगैर कितनी तकलीफ है। ये तो है, आंखों की बात है। ये बात तो। माफ कीजिए, आप किस चीज के कैप्टन हैं? मम्मी, आप मेरी यूनिफॉर्म से नहीं पहचान सकती, मैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का मिक्सचर हूँ। आई सी। मम्मी, जब मैं नेवी में कैप्टन था, और आपको शायद याद होगा, जब गोवा का ऑपरेशन हुआ,
उस जमाने में मैंने वो गोलाबारी की है, वो गोलाबारी की है जिसमें गोले कम और बारी ज्यादा, दो ही घंटे में फैसला हो गया था। उस वीरता के सिलसिले में ये परम चक्कर मुझे मिला है। आई सी। और मम्मी, जब मैं आर्मी में था वहां पे भी कैप्टन ही था मम्मी, क्योंकि कैप्टन के नीचे तो मैं आज तक रहा ही नहीं ना। हाँ, तो नेफा बॉर्डर पर अपना नेफा कसकर जो ही मैंने मशीन गन पर हाथ रखा और समझ गया मम्मी, तो 500 दुश्मन 5 मिनट में बर्फ के अंदर राख हो गए। आज तक उनकी डेड बॉडी का पता नहीं चला मम्मी, और उस सिलसिले में मुझे ये धर्म चक्र मिला है। धर्म चक्र? हाँ मम्मी, ये धर्मेंद्र का शॉर्ट फॉर्म है। धर्मेंद्र चक्र जरा बड़ा होता है, धर्म चक्र ये जरा छोटा है। I see. और मम्मी, जब मैं पंजाब में एयरफोर्स पे था, एयरफोर्स में था, उन दिनों में जो नेट प्लेन के साथ मैंने भांगड़ा किया था, उस सिलसिले में मुझे ये। वो लोग तुमको कर्म चक्र देने वाले थे ना? हाँ, मम्मी। हाँ। देने वाले नहीं मम्मी, दे दिया। हाँ, लेकिन मैं तुमको गर्म चक्र देना चाहती हूँ। गर्म? हाँ। गर्म चक्र? गर्म चक्र। हाँ मम्मी, अच्छा हो जाएगा, 4 चक्र हो जाएंगे मेरे पास। सुबेदार। यस मिसेस कर्नल। लेक कर्नल साहब की भरी हुई बंदूक लाओ। लेकिन मम्मी, आज तुम्हें डैडी की भरी हुई बंदूक की क्या जरूरत पड़ी? यू शट अप। तो इसकी गर्मी से मुझे गर्म चक्कर मिला? बिल्कुल नहीं मम्मी, ऐसा मत करिए। बिल्कुल नहीं मम्मी, ऐसा मत करिए। कैसे अंगूठा दिखाकर मौत को भगा दिया। डॉक्टर वर्मा भी कह गए हैं अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। क्या मदन? वो तो ठीक है ग्रैंडपा, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप पहले की तरह चलना फिरना उठना बैठना शुरू कर दें। हाँ ग्रैंडपा। लीजिए दवाई दीजिए। अब आप चुप चलिए। ये लो भाई, आप तो खुश हो। हाँ ग्रैंडपा, अब आप अच्छे हो गए ना, मैं बहुत खुश हूँ। अरे ये असली खुशी तो उस दिन होगी जब मैं तुम दोनों का चक दप्पट ब्याह कर दूंगा, फौरन से पेशतर, पेशतर से पहले। फौरन से पेशतर? पेशतर से पहले? हाँ, एक हफ्ते के अंदर अंदर। एक हफ्ते के अंदर? अरे देखो तो, शादी की बात सुनकर कितनी खुश हो रही, देखो तो देखो। अरे भाई तुम क्यों चुप हो? दादो, ये शादी की बात नहीं है। मुझे लगता है आपको दिल का नहीं, इसका दौरा पड़ गया है। तुम्हारा मतलब है दिमाग का दौरा पड़ गया? फिर नहीं तो क्या। मदन, जिस लंदन से वापस आए थे उसी दिन तो दादो ने हमारी सगाई कर दी थी, बोलो हाँ। ओह यस। और फिर इनको हार्ट अटैक हो गया, बोलो हाँ। यस करेक्ट। और अब ये फौरन से पेशतर, पेशतर से पहले, एक हफ्ते के अंदर अंदर ही हमारी शादी भी कर देना चाहते हैं। अरे भाई, तुमसे कहने की क्या बात है, कहने की क्या बात है? मदन, मैं पूछती हूँ, आपके कोई माता पिता नहीं है? मामा बाबा, माँ बाप दोनों हैं जी। हाँ, तो फिर गांव जाके तुम्हें उनसे मिलना नहीं चाहिए? मैं तो कब का जाना चाहता था, बस इसी चक्कर में उलझ गया, आपकी बीमारी के चक्कर में। अरे हाँ हाँ ठीक है, तो ऐसा करते हैं, चलो हम लोग अभी चलते। चलो जी, तेरा बेटा अरे घर के पीछे लाल मिट्टी का खड्डा, उसमें बैठा बुड्ढा और मारे तेरा पाँव। ओ नहीं, तेरा हाथ है सुंदर। अरे क्या प्रॉब्लम खड़ी हो गई है? क्या? वो आशा का ग्रैंडपा है, कहता है कि मैं यानी कि मदन मल्होत्रा अपने माँ बाप को पेश करें। यार हम दोनों ने तो अपने माँ बाप की शक्ल ही नहीं, वो बेचारे तो भगवान को प्यारे हो गए। अगर ग्रैंडपा को अपने माँ बाप से मिलने का इतना ही शौक है तो बुड्ढे को ऊपर भेज दे, मिल लेगा। तो क्या बकबक करता है? अरे तो फिर कैसे हो सकता है यार? क्यों नहीं हो सकता? हिंदुस्तान में हर चीज की नकल होती है, साली काली मिर्ची से लेकर लोग दिलीप कुमार की एक्टिंग तक नकल कर देते हैं। दिलीप कुमार को छोड़, आजकल तो लोग महमूद की नकल मारते हैं। उसकी भी मारते हैं। देख, जब मदन मल्होत्रा नकली बन सकता है तो उसका बाप नकली क्यों नहीं बन सकता? उसका बाप तो क्या, ओदी माँ भी बन सकती है नकली, ठीक है ना? लेकिन शादी की तारीख जल्दी पता। सुंदर भैया। बोलो बहन। इधर इधर। खाना तैयार है भैया? चलो चलो खाना। अरे मुझे आ जा, जो 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 चलो। आयशा रोता है बदमाश। क्या
उनका भी उसी के पास है और उसकी बहन बनी है, एक बच्चे की माँ भी है। यस बॉस, आपकी बच्ची। शट अप। उस वक्त मैं मोहनलाल था। आई एम सॉरी बॉस, मेरे लिए क्या हुक्म है? गंगा का खात्मा। ओके बॉस। और उस नकली मदन का भी। ओके बॉस। यहाँ जी, आप ठीक है? देखिए काम कीजिए, आप कॉन्ट्रैक्ट बनवा दीजिए, मैं साइन कर दूंगा। हाँ जी हाँ। सखा, मदन बाबू अपने माता पिता को लेकर आ गए, मुझे उनके पास। ग्रैंडपा जी। चलो बेटा जी, मेरी बेबे जी और पाइया जी आ गए। नमस्ते। 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 हमारी भाभी क्या आप लोग छूरे? हाँ, दर्पण देखी सी, देखी सी। तो जी दर्पण फिल्म की बात नहीं, दर्शन कह रहा है, दर्शन। हाँ। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर पधारिए, आइए आइए। आजे। तो जी अंदर पधारने को कह रहा है, पधारो। आइए आइए पधारो, आइए आइए। आ बैठे। अच्छा सोफा कुछ? हाँ बैठे, बैठे बैठे बैठे। बड़ी लंबी चौड़ी देवड़ी बनाई है। वाह वाह। दरअसल मुझे आप लोगों के पास आना चाहिए था। क्रैक्ट है। ग्रैंडपा, मैंने इन्हें सब कुछ पहले से बता दिया था। लेकिन ग्रैंडपा, सवाल ये पैदा होता है कि आप जैसा बुजुर्ग ऐसे बुजुर्ग गलती कैसे कर सकता है? जी गलती? गलती का मतलब इनकी सगाई। ओ बेबे, इस टाइम में कोई कसूर नहीं है। मैंने और आशा ने शादी का फैसला पहले से कर लिया था। मद्दू इतना फैसला है का? ये मुझे बचपन से ही प्यार से मद्दू बुलाते हैं। नाम की सफाई क्यों दे रहे हैं? पहले बता सगाई क्यों होने दी? अबे फिर मद्दू की माँ, तनु हाई ब्लड प्रेशर है का? हाँ? वो जी ऊंचा ब्लड प्रेशर है का? थल्ले जा, आजा आजा मद्दू की माँ। अब ये मद्दू लुधियाने के स्कूल का मद्दू नहीं रहा, ये तो बीए पास करके इंग्लैंड रिटर्न बन गया है, श्री मदनलाल मल्होत्रा, और इश्क में फंस गया है। क्या? वो जी इश्क प्यार। वो जी छी-छी करने से क्या फायदा, अब तो एक दोस्त की मदद दोस्त को नहीं पड़ेगी। दोस्त? बदली पहाड़ से टकरा के बरस गई। ग्रैंडपा, इनका कहने का मतलब ये है कि बेटा बाप का करीबी दोस्त होता है, क्यों पाया जी? करेक्ट है मद्दू, बिल्कुल करेक्ट है ग्रैंडपा। अब आप ही बताइए, क्या आपके पिता आपके दुश्मन थे? जी नहीं। तो दोस्त जरूर होंगे। जी हाँ जी, करेक्ट है, दोस्त है। तो लाला जी, फिर शादी बारे में आपका क्या ख्याल है? केड़ी शादी जी? आप नहीं समझेंगे पाया जी, बेचारे ग्रैंडपा तबीयत ठीक नहीं रहती, वो चाहते हैं मेरी और आशा की शादी जल्दी हो जाए। लाला जी, मदन ने बिल्कुल ठीक कहा। वो जी जब ये दोनों है राजी तो हम दोनों क्यों बने पाजी? मगर इतनी जल्दबाजी? नहीं तो पलट जाएगी बाजी। मैं बोलता हूँ तू क्यों बीच में टपकती है? राय साहब, हमको शादी मंजूर है। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अरे बहुरानी को तो बुलाइए। हाँ क्यों नहीं। आशा बेटी, आशा बेटी, देखो तो कौन आया है। जी आए हैं। आए हैं। हम तो कूड़े को बुरा नहीं, आज कुड़ी को पहली बार देखेंगे। मैंने पहले थोड़ी देखा। इन्होंने भी पहले नहीं देखा है। किथे? आहा हा हा, कितनी सोनी बहू, कहीं नजर न लग जाए। आओ बेटी आओ। आ बेटी आओ, इधर आओ। बेटी अपने सास ससुर के पहुंच हुआ। जिंदी रहो, जिंदी रहो। वाह वाह वाह, भगवान ने बड़ा समय लेके बनाया हमारी बहू को। माफ कीजिएगा, मैं भी आया। श्यामो आए वाले। शादी 3 महीने के लिए मुलतवी करने को बुलाया था या पक्की करने? हाँ मैंने क्या कहा? ताव खाने की जरूरत नहीं मैम साहब, आप अपने सास ससुर से बात कर रही हैं, जरा तमीज से बात कीजिए वरना भांडा फूट जाएगा। लाला जी। हाँ जी। इस शुभ मौके पर मुंह मीठा कीजिए। कहाँ जी? मिठाई है जी? लड्डू? ले खा ले, लड्डू खा। बहू? बहू उधर है। बहू था? क्या तुम नहीं खाओगे? मैं यहाँ हूँ। अच्छा तो
लाला जी, हाँ जी, शादी की तारीख के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो जी तारीख क्या जी, कल करो, परसों करो, दो तीन दिन बाद में करो। हाँ हाँ, वो राय साहब, हाँ। वो जी मेरी गलती हो गई, हाँ। खुशी के मौके पर मैं अपने रिश्तेदारों को भूल गया हूँ। हाँ, इस पंजाब में साढ़े बड़े रिश्तेदार हैं, हाँ। सबको बुलाना होगा, ताजमहल होटल में ठहराना होगा। हाँ, और फिर ये सब करने के लिए 3 महीने तो लगेंगे ना? हाँ। क्या क्या क्या, 3 साल? नहीं नहीं ग्रैंडपा, आप जब कहें तब करेंगे हम। भाई मैं तो चाहता हूँ जितनी जल्दी शादी हो जाए। क्रैक साहब, आ गई, मुंह में लड्डू डाल ले, पहचानी की नहीं, डाल ले। आइए आइए वर्मा, आइए बैठिए। बधाई हो राय साहब, आपने तो अपनी आशा की सगाई कर दी। हाँ, ये आशा की सास, ये उनकी सास, और ये मेरा होने वाला दामाद। नमस्ते जी। खुश रहो बेटे। अब मुझे बधाई दीजिए, सो मेरी शीला की सगाई है। बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। मेरी बेटी शीला। वो जिसके साथ सगाई है? वही अपना मेजर प्रेमनाथ के साथ। प्रेमनाथ फिल्म वाला? ओहो, फिल्म वाला प्रेमनाथ नहीं, मिलिट्री का मेजर प्रेमनाथ। लेकिन आंटी जी, आपने इस बारे में शीला से भी राय ली है? अरे उस ना समझ की क्या राय लेनी, न जाने कहां से एक घनचक्कर कार्टून पकड़ के ले आई थी, मेरे आंखों में धूल झोंक रही थी, कहती है मेजर है। मैंने भी कर्नल की बंदूक मंगा के उसकी वो खबर ली, वो खबर की जिंदगी भर याद करेगा। वो जी कर्नल साहब की बंदूक अभी भी आपके पास है? लीजिए मिठाई खाइए, घर ले जाइए। राय साहब जरूर आइएगा। हाँ हाँ जरूर। माँ जी आप भी जरूर आना। जरूर आऊंगी बेटी, मैं नहीं आऊंगी तो सगाई कैसे होगी? आप लोग जरूर आइए। हाँ, जी जरूर पधारेंगे, जरूर पधारेंगे। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अरे होगा क्या, कैप्टन सुंदर सब संभालेगा। संभालेगा? अरे क्यों नहीं संभालेगा, जब वो गैरों को संभाल सकता है तो अपनों को नहीं संभालेगा? बेटी से पहले माँ को भी फंसाना पड़ता है, लेकिन आपकी तारीफ। तारीफ बच्चे, आपने बेटी को नहीं पहचाना? बेटा यू मीन टू से माई जूनियर, मेरी शादी से पहले क्या बकवास है? चक्कर जेब से चश्मा निकाल के देख, मैं शंकर। चश्मा? शंकर क्या है आखिर ये? तो क्या नजर भी आने लगा? ऑफ कोर्स। बताओ ये कितनी मिलता है? ऊपर नीचे क्या कर रहे हो, सीधा खड़ा करो। चार साले मंगनी से पहले निगाह भी तेज हुई, क्या ठाट है तेरी, क्या मूछ है तेरी। इस वक्त अगर तुम आर्मी में हो तो मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवा देता। मैं तुम्हारा। मम्मी, मम्मी। ये है मेरी इकलौती बेटी शीला। हेलो, नाइस टू मीट यू। आप लोग बातें करिए, मैं जरा मेहमानों को देखा। सुंदर, यू मीन टू से आई एम हैंडसम, मैं खूबसूरत हूँ? वैसे आप भी बहुत खूबसूरत है। जो कि मेजर से पहले कैप्टन और कैप्टन से पहले लेफ्टिनेंट थे, इन्होंने एक बैंड लीडर की हैसियत से ये आर्मी ज्वाइन की। लिहाजा मैं इनसे दरख्वास्त करता हूं कि इस खुशी के मौके पर बैंड पर एक आइटम दें। Thank you.
हम जान लड़ा देंगे, तूफान उठा देंगे, गोली चला के दुश्मन की टोपी उड़ा देंगे। हम जान लड़ा देंगे, तूफान उठा देंगे, गोली चला के दुश्मन की टोपी उड़ा देंगे। हमसे जो टकराएगा मारा जाएगा, हमसे जो टकराएगा मारा जाएगा। हम जान लड़ा देंगे, तूफान उठा देंगे, गोली चला के दुश्मन की टोपी उड़ा देंगे। हथेली पे लेके आया मेरी लैला तेरा छेला, सर हथेली पे लेके आया मेरी लैला तेरा छेला। आंखों की तो नाली बंदूक में आहों की गोली भर के लाया मेरी लैला तेरा छेला, सर हथेली पे लेके आया मेरी लैला तेरा छेला। कपड़े फाड़े सर में मिट्टी दे दे गम में बन गया मजनू सुंदर लाल। टूटे हुए दिल के टुकड़े से अरमानों का थैला भर के लाया मेरी लैला तेरा थैला, सर हथेली पे लेके आया मेरी लैला तेरा थैला। तुम सुंदर हो, आप मुझे जानते पहचानते तो फिर मानते क्यों नहीं। भगवान ने कितनी अकल से काम लिया कि हम दोनों को हम शक्ल बनाया, आपको चश्मा नहीं मुझे चश्मा लगाया, फिर आपने मेरी मोहब्बत में क्यों दखल जमाया। तुम शीला से प्यार करते हो? करता हूं। और शीला तुम? हाँ, करती हूँ। घबराओ नहीं शीला, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हम डिफेंस वाले हमेशा सिविलियंस की रक्षा करते हैं, हम दुश्मनों की जान लेते हैं और दोस्तों के लिए अपनी जान देते हैं। हम शीला की प्रेम लीला में खिला नहीं ठोक सकते। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें ये मंगनी बिल्कुल मंजूर नहीं। मेरे हमदम मेरे दोस्त अंधन कुमार, तुमको तुम्हारी शीला मुबारक। दिस मिस वक्त तूने भरे सभा में मेरी नाक कटवा दी। अरे तो फिर आप हम दोनों की शादी करवा दीजिए, आपकी नाक आपको वापस लग जाएगी। तू चुप रह, अब राजा खाती हूँ नाक के बच्चे। सुबेदार लेट कर्नल की भरी हुई बंदूक लाओ।
थोड़ी देर से आए। आए हाय हाय, देर आए दुरुस्त आए। कौन? पहचाना नहीं, प्राणलाल। प्राणलाल तुम? बड़ी मुश्किल से पता चला है तुम्हारा। बच्चे की माँ भी बन गई हो, मुबारक हो। मोहन कहाँ है? ओए होए होए, अभी तक तुम मोहन का ही आसरा लगाए बैठी हो। मैं कहता हूँ भूल जाओ उसे। भूल जाओ? अपने बच्चे के पिता को भूल जाओ, अपने पति को भूल जाओ? अरे पगली, वो मंदिर की शादी तेरी अंधी आंखों में धूल झोंकने का एक ढोंग था, नाटक था। क्या? हाँ गंगा, समाज और कानून की नजरों में न वो तुम्हारा पति पहले था और न अब है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मत कहो कि मैं बिना पति के माँ बनी हूँ, मत कहो कि बच्चा मेरा पाप है, मैं पतिता हूँ। हाय हाय हाय, रो मत गंगा। ठीक है कि मोहन ने प्रेम की पवित्र गंगा को गलियों में बहने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हें बड़े बड़े सेठों के महलों में पहुंचा सकता हूँ। चुप रह, तेरे कारण मैं बिना पति के माँ बनी, अब वेश्या बनाना चाहते है, नर्क में झोंकना चाहता है। नर्क में नहीं जन्नो, स्वर्ग में, जहाँ तुम्हारे इस हुस्न के एक से एक बढ़कर दीदार होंगे। जवानी के मजे भी लूटना और दौलत भी बटोरना। नीच, तेरी ये हिम्मत? आए हाय हाय, क्यों इस मस्त जवानी को शंकर जैसे भिखमंगे की रखेल बनकर गरीबी के जाल में सुखा देना चाहती है? शंकर मेरा भाई है, तूने उसके बारे में कुछ भी कहा तो मैं तेरा पूछ भी जाऊंगी। हाय 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 हाय, अब तो इस फल का प्याज वसूल करना पड़ेगा मेरी चंद्रो। कमीना कौन था गंगा बहन? प्राणलाल, यही नीच मेरे जीवन की बर्बादी का कारण है। नंदी आंखों के कारण न जाने किस्मत में और कितने ठोकरे और कितने धोखे लिखे। भगवान मुझे मौत क्यों नहीं दे देते? ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो गंगा बहन। मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरी आंखें बनूंगा, मैं तेरी आंखों का इलाज करवाऊंगा। मुझे यकीन है तेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अपनी बहन की अंधेरी जिंदगी में उजाला लाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगा। डॉक्टर, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन के बाद में गंगा बहन की आंखों में रोशनी आ सकती है, लेकिन शंकर मैं बोलता हूँ यार, गंगा बहन को अंधी ही रहने दे, क्योंकि थोड़े दिनों बाद मैं भी अंधा होने वाला हूँ। दोनों भाई बहन मिलकर भीख मांगेंगे और घर का खर्चा पूरा करेंगे। क्या बक रहे हो तुम? मैं बक नहीं रहा हूँ, तुझे मालूम है ऑपरेशन में 5,000 रुपए का खर्चा। 5 साल में 25,000 पॉकेट मारे होंगे, जिसमें से मुश्किल से 2,500 रुपए निकले होंगे। 5,000 कहां से लाएंगे यार, इसके लिए तो बैंक तोड़ना पड़ेगा। जाओ बैंक तोड़ो और जेल में जाओ। सुंदर, गंगा को मैंने अपनी बहन माना है, उसकी आंखें ठीक हो जाएं, वो अपने बच्चे को देख सके, अपने पति को ढूंढ सके, उसके लिए जेल क्या मेरी जान भी चली जाए तो मैं तैयार हूं। कल 5,000 का इंतजाम हो जाएगा। कहाँ है? चलते पता चलो चलो।
भाई खोलो, चलो उठो। खबरदार, कोई भी आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। बेटे 4-5 हजार रुपया चार्ज हमने, मैं पुलिस को फोन नहीं करूंगा। बहुत प्लीज डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर, प्लीज। कांग्रेचुलेशन मिस्टर शंकर, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। थैंक यू डॉक्टर साहब, लेकिन कब तक देख सकेगी? यही 2 हफ्ते के बाद पट्टी खुलेगी और वो देख सकेगी। डॉक्टर साहब मैं अंदर जा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर, लेकिन होश में आने के लिए 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। जाइए जाइए। यार शंकर, जैसे अपन दोनों उल्टे बैठे हुए ना, वैसे ही अपनी किस्मत की गृह दशा उल्टी है। वो कैसे? देखना यार, वो मेरी जो है ना शीला, वो सीधी है, उसकी माँ उल्टी है। तेरी लड़की का दादा सीधा है और मेरी लड़की उल्टी है। तो अब जल्दी से उसे सीधी खड़ी कर दे। देख, उसका दादा जिंदा है तब तक तू अपना काम बना ले, वरना सच्ची बोलता हूँ अपनी वही हालत हो जाएगी जो पहले थी। बाबा मन की आंखें खोल, बाबा मन की आंखें खोल। यार ये मन की आंखें छोड़, तू आशा की आंखों पर तेरे प्यार का पर्दा डाल दे, ताकि अपनी गरीबी का पर्दा हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाए। तो पर्दा डालना ही पड़ेगा सुंदर। ना तुझसे दूर जा सकूं,
ना तेरे पास आ सकूं कि मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, ना तुझसे दूर जा सकूं, ना तेरे पास आ सकूं कि मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। शुक्रिया अदा करूं, चुप रहूं गिला करूं, शुक्रिया अदा करूं, सोचता रहा करूं क्या करूं मैं क्या करूं, ना अपना गम छुपा सकूं, ना अपना गम सुना सकूं कि मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, कि मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। सितम है मेहरबान आ गया हूँ मैं कहाँ, क्या सितम है मेहरबान आ गया हूँ मैं कहाँ, खूब है ये दास्तां है तेरा वो आस्तां, ना जिस पे सर झुका सकूं, ना जिससे सर उठा सकूं कि मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, कि मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। कान खोल कर सुन लो, तुम सिर्फ शंकर मदन का सॉन्ग रचने के लिए रखे गए हो, आइंदा अगर मेरे करीब आने की कोशिश की तो धक्के मारकर निकलवा दूंगी। तुम क्या निकलवाओगी मैम साहब, मैं खुद जा रहा हूँ। तुम भी कान खोल कर सुन लो, फिर मेरे पास रोती बिल बिलाती अपने ग्रैंडपा की जान की दुहाई देती हो मत आना। हाँ हाँ नहीं आऊंगी, चले जाओ यहाँ। अंकल आप? मैंने सब कुछ सुन लिया है। क्या? तुम शंकर को रोको। नहीं डॉक्टर अंकल, अब उसे जाने ही दीजिए, मैं ग्रैंडपा को सब कुछ सच सच बता दूंगी। तुमने ग्रैंडपा से झूठ बोला, बुरा किया, अब उन्हें सच बताओगी तो और भी बुरा करोगी, उन्हें ये बताने से फिर से दिल का दौरा पड़ सकता है। लेकिन कब तक इस झूठ पर पर्दा डालती रहूं, कब तक उसकी सब बदतमीजियां बर्दाश्त करती रहूं, बताइए आप ही बताइए। जब तक ग्रैंडपा खतरे से बाहर न हो जाए, वरना झूठ के पाप से तो तुम बच जाओगी लेकिन ग्रैंडपा से हाथ धो बैठोगी। आपके बाथरूम का दरवाजा एक ही आदमी खटखटा सकता है, आपका डार्लिंग मदन मल्होत्रा।
फटाफट बाहर आइए। मैं नहा रही हूँ, अभी बाहर नहीं आ सकती। आप प्लीज फौरन यहाँ से चले जाइए। जल्दी से बाहर आओ वरना मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। ठहरो बाबा, ठहरो, आती हूँ, आती हूँ बाबा। बाहर आइए। लेकिन मैंने कपड़े नहीं पहने हैं ना। हम कोई गैर नहीं है, बाहर आइए, तशरीफ ले आइए। अच्छा बाबा, लगता है पहलू में आग लग जाए। देखिए नकली ही सही, थोड़ा हमारा भी तो हक है। सुनो, क्या है? गर्म होने की जरूरत नहीं मैम साहब, जरा ठंडे दिमाग से हमारी बात सुनिए। ग्रैंडपा चाहते हैं हम दोनों फार्म पर चले जाएं। फार्म पे चले जाएं? वो किस लिए? इसलिए कि हम चाहते हैं। मैं और अकेली फार्म पे जाऊं? अकेली क्यों मैम साहब, आपके साथ 5'11" का मदन मल्होत्रा भी जा रहा है। मैं और मिस्टर मदन मल्होत्रा के साथ अकेली फार्म पे जाऊंगी? तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। ए मैम साहब, कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज नंबर 10 के हिसाब से आपको वहां जाना ही पड़ेगा जहां हम चाहेंगे। सोच लीजिए, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं। बिग शॉट। आइए आशा दीदी जी। चलो सामान उतारो, जल्दी कराओ। जवाब नहीं बुढ़े का, दिल भी असली, दारू भी असली, दामाद भी असली। हम पर भरोसा किया है तो दगा हम भी नहीं देंगे। नकली होते हुए असली से बेहतरीन काम करके बताएंगे। आइए। तो हाँ, आ जाते हैं। गेट लॉस्ट। बड़ा पैक। शट अप। सोडे के साथ। मेम साहब गर्म पानी। गरम पानी के साथ पिएंगे? हुजूर नहाने के लिए। गरम पानी से क्यों अपने नाजुक बदन को जख्मी कर रही हो? एक नीट मार लो, थकावट दूर हो जाएगी। तुम अपनी थकावट की फिक्र करो जरा। अपनी फिक्र करने वाली तो अपनी मुट्ठी में है। साहब जरा यहां तशरीफ लाओ और हमारे जूते उतार दो। क्या कम सुनाई देने लगा? जूता खोलो। क्यों जूता खाने की बात करते हो? मैम साहब गुस्सा खाने का हक तुम्हारा नहीं, हमारा है। खाना तैयार है हुजूर। तुम्हें किसने बुलाया है? जाओ यहां से, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। तखलिया। शरीफ लोगों के साथ उठने बैठने का चांस मिला है तो शराफत भी सीखो। आइंदा नौकरों के सामने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो तुम्हारा दम निकाल दूंगी। हाँ, हमारा दम निकाल कर आप ही का नुकसान होगा मेम साहब। तीसरा मदन कहां से लाओगी? ठीक है, हम घटिया आदमी हैं, हमारी जात घटिया है, हम काम घटिया करते हैं, लेकिन ये मत भूलो कि इस वक्त हम तुम्हारे वो हैं, यानी कि तुम्हारे मदन मल्होत्रा। और मदन मल्होत्रा होने के नाते हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि प्रिय, इस दारू को शरबत समझकर एक घूंट में पी जाओ, पी जाओ, पी जाओ। क्या समझते हो अपने आप को? मैं तुम्हारे इशारों पर नाचती रहूंगी? तुम क्या हो और कहां से आए हो, अपनी औकात मत भूलो। हम अपनी औकात नहीं भूले हैं मैम साहब, आप हमारी दी हुई शर्तें भूल रही हैं, और शर्तें याद दिलाने का तरीका हमें आता है। हेलो, ग्रैंडपा को बुलाओ। हम घटिया आदमी हैं, हमारी जात घटिया है,
तो फिर हमारे काम घटिया है। नहीं, अंदर चलो, चलो अंदर, दो गिलास उठाओ। Cheers. पहले पैर में थोड़ी तकलीफ होती है हमेशा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो और क्यों जबरदस्ती पिलाना चाहते हो, लेकिन याद रखो, शराब पिलाकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। चीयर्स, चीयर्स। जाम मिट
अरे जा 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 रे जा, अरे हट जा जा रे जा। शंकर, कल रात तुम रात गई बात गई, चाय पियेंगी आप? बको मत शंकर, मैं पूछती हूँ कल रात तुम कहाँ सोए थे? तुम्हें नहीं मालूम? ठीक है, समझ लो यहीं कहीं सो गया होगा। लेकिन ये कपड़े? अरे पहन तो रखे, क्यों ये स्टाइल पसंद नहीं आप? बनो मत शंकर, तीस तरह से मेरी बात का जवाब देते हो या नहीं? चीखो मत, यह हक मेरा है। ज्यादा आवाज की तो ग्रैंड पा को टेलीफोन कर दूंगा। मुझे ग्रैंड पा की परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, समझते हो? चलो मेरे साथ। अच्छा ये बात है, मेम साहब शादी के इतने शौक था तो मुझे इशारा कर दिया होता, जय माला मैं तुम्हारे गले में डाल देता। भाड़ में गई शादी, शंकर भगवान के सामने कसम खाकर कहो कि रात तुम, कि रात तुम मेरे साथ नहीं थे। ये कैसे हो सकता है, भगवान की झूठी कसम मैं नहीं खा सकता, रात को तो मैं तुम्हारे साथ ही था। क्या? मेरा मतलब है कल रात तुम सोए कहाँ थे? अरे मैं तुम्हारे पास सोया था, तुम्हें इतना भी पता नहीं चला? मैं पूछती हूँ तुमने मेरी बेहोशी का कोई नाजायज फायदा तो नहीं उठाया? देखिए जिंदगी में एक दूसरे का फायदा तो उठाना ही चाहिए, और फिर हम तो आधे पति पत्नी हैं। शंकर डार्लिंग इतना गुस्सा क्यों करती हो, बाकी आदमी जल्दी बन जाएंगे। शट अप, तुम्हें भगवान की सौगंध, प्लीज मुझे सच सच बता दो। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ मैं तुम्हें तन मन धन से अपनी पत्नी मान चुका हूँ। चलो ये खुशखबरी ग्रैंडपा को भी सुना दें। शंकर हाँ, ये खुशखबरी जाकर सबको सुना दो, जाकर कह दो दादू से कि तुमने मेरे साथ कितना अच्छा सलूक किया है, सुना दो दुनिया वालों को कि आज तुमने कितनी मर्दानगी का काम किया है, सारे जहां से जाकर कह दो कि आज तुमने एक मजबूर, एक बेसहारा और बेहोश लड़की का फायदा उठाया है। शंकर तुमने मुझे कहीं का ना रहने दिया, मुझे कहीं का ना रहने दिया। अब मैं जिंदा नहीं रह सकती शंकर, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। आशा दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ दो मुझे, आप गलत कर रही हैं, कपड़े तो मैंने बदले थे साहब के कहने पर। क्या? हाँ बीबी जी। तो फिर साहब कहाँ सोए थे? हॉल में। भगवान तू तो जानता है मैंने जो कुछ किया है हालात की मजबूरी में किया है, मैं नहीं जानता था बात इतनी बिगड़ जाएगी। अब मैं आशा की जिंदगी से चला जाऊंगा, मुझे माफ कर देना भगवान। शंकर!
डॉक्टर्स, आप लोगों का डायग्नोसिस सही है। सर पर सख्त चोट आने की वजह से ये एक सीरियस कंकशन केस है। डॉक्टर सैन, आपका कहना सही है। 16 घंटे के अंदर अंदर यानी कल सुबह 4 बजे तक अगर होश नहीं आया तो पेशेंट की जान का खतरा है। नाउ लेट अस डिस्कस द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। डॉक्टर ने क्या कहा बेटी? डॉक्टर कहते हैं कि मदन की हालत बहुत सीरियस है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, इसकी जान खतरे से बाहर है। सब तकलीफ तुम क्यों कर रहे हो? तुम नहीं समझोगे। लो अब ये कुर्ता पहन लो। चलो अब आराम से लेट जाओ। नर्स साहब के लिए दवा ला, तुम्हारे लिए अभी जूस बना कर लाती हूँ। ले लीजिए दवाई। आपकी शादी मिस आशा से होने वाली है ना? जी हाँ। बड़े खुशकिस्मत हैं आप। आपकी बीमारी में जिस तरह मिस आशा ने आपकी सेवा की है, ऐसा लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। आइए ग्रैंडपा। अब तबीयत कैसी है मदन? अच्छा हूँ आपके आशीर्वाद। मदन, आज तुम्हें मैं अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। देखिए, जब तुम लंदन से आशा को चिट्ठियां लिखा करते थे ना, तो मैं चुपके चुपके तमाम चिट्ठियां पढ़ लिया करता था। मुझे उस वक्त ऐसा महसूस होता था कि तुम एक बेकार आवारा किस्म के लड़के हो। मेरी बेटी को अपने प्रेम के जाल में फंसा कर मेरी तमाम दौलत हड़प करना चाहते हो। मदन, ये तब की बात है जब तुम मिले नहीं थे। मिलने के बाद तो तुमने मेरा मन ही जीत लिया। अब इस जिंदगी पर तुम्हारा ही अधिकार है। तुमने अपनी जान खतरे में डालकर आशा को बचाया। बदन, तुम इंसान नहीं देवता हो। तुम इंसान नहीं देवता हो।
गाड़ी रोकना। अरे शंकर, अरे शंकर विजय, अबे अंदर आ जा। अरे शंकर के बच्चे, 6 दिन हो गए शिमला से आए हुए, तेरा कोई ठिकाना है? विजय क्या बताऊं, ड्राइवर गाड़ी चलाना। सुनाओ यार कैसे हो? ठीक हूँ विजय, तुम कहाँ हो आजकल? वहीं सर्चिल होटल में, आजकल वहाँ रिसेप्शनिस्ट हूँ। यार कमाल है, तुम तो आजकल खतवत भी नहीं लिखते, क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, आजकल तो दिमाग भी नहीं चल रहा। विजय बॉम्बे रास नहीं आई। क्या कहते हो, बॉम्बे शहर में तो लोग खाली झोली आते हैं और लखपति बन जाते हैं, चांदी को तरसने वाले हीरे पहनने लगे। तुम ठीक कह रहे हो विजय, लेकिन मैं इतना खुश नसीब नहीं, हीरे तो मेरी झोली में भी गिरे थे, उठाने गया तो हाथ पत्थर के हो गए। क्या बात है, बड़े निराश लगते हो। हाँ विजय, मैं शराब सेट हूँ और बम्बई छोड़ के कहीं चला जाना चाहता हूँ। अगर यही बात है तो तुम मेरे साथ शिमला चले चलो, कहीं होटल में नौकरी तो दिलवा सकता हूँ। सच? हाँ भैया जरा गाड़ी रोकना। अरे क्यों क्यों? तुम चलो विजय, मैं कल की गाड़ी से शिमला पहुंचूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। शंकर कांटा लगे ना कंकर, मुझे तो कंकर क्या पत्थर लग गया यार। तुम तो जा रहे हो, क्या उम्र भर मुझे बच्चे को इस तरह दूध पिलाना पड़ेगा? गंगा बहन 2-4 दिन में आ जाएगी। वो तो आ जाएंगी, लेकिन मुझे सर मुंडवाकर हरिद्वार जाना पड़ेगा। बड़े मुश्किल से तुमने एक मुर्गी फांसी थी, जब उसके हलाल करने का समय आया तो तुम वेजिटेरियन बन गए। मुर्गी फांसते फांसते तुम खुद फंस गए। ठीक है यार, प्यार में ऐसी होता है। लेकिन शंकर तुम तो जा रहे हो, हम लोगों का क्या होगा? बंदोबस्त होते ही मैं चिट्ठी लिखूंगा, सबको लेके आ जाऊंगा। ठीक, आने से पहले मैं उस बंदूक वाली की बंदूक ठीक करके आऊंगा। ये बेटा भैया को सैसल होटल में नौकरी मिल गई है, वो आज सुबह की गाड़ी से शिमला चले गए। शिमला चले गए? नहीं शंकर, ऐसा नहीं कर सकता। शंकर मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता। वो दूसरों के लिए चोर, बदमाश, जालसाज हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे लिए वो देवता है। अगर वो चाहता तो मेरी सारी दौलत लूट सकता था, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं किया इसलिए कि वो मुझसे प्यार करता है। हाँ। क्या बात है, बोलो। बहुत बहुत अच्छे मौके पर आपकी रिहाई हुई। क्यों? इसलिए कि आपकी सोने की चिड़िया आपके हाथों से निकलती नजर आ रही है। क्या मतलब? आशा और उसके ग्रैंडपा शंकर के पीछे पीछे शिमला चले गए। मामला बहुत संगीन है, हमें जल्दी करना चाहिए। चलो डॉक्टर, अंदर जाकर पता करो मदन है या नहीं। डॉक्टर अंकल, आप क्यों तकलीफ करते हैं? आप ठहरिए ना, मैं जाकर पूछ के आती हूँ दादू। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, मिस्टर शंकर आने वाले थे, वो आ गए। शंकर? ओह यस, ही इज एक्सपेक्टेड एनी मोमेंट। आपके कमरे की चाबी। दादू मदन अभी तक आए नहीं, लेकिन आज ही आने वाले हैं। मैंने कहा था ना, बच्चू बचकर जाएगा कहा। अच्छा आप चलकर आराम कीजिए, बहुत थक गए होंगे। मैं जरा घूम के आऊँ। मैं जानता हूँ किसका इंतजार है। दादू प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। डॉक्टर साइन करो। तेरा नाम हा आवाज
छल कपट की बेड़ियां डालने चली आई? नहीं शंकर, अब मेरा प्यार तुम्हें छल और कपट पर मजबूर नहीं करेगा। मैं तुम्हें मदन नहीं, शंकर के असली रूप में दादू के पास ले जाऊंगी और उन्हें सब कुछ बता दूंगी। नहीं आशा, जब उन्हें पता चलेगा तुम एक चोर बेईमान जेब कतरे से प्यार करती हो, जो मदन बनकर आज तक उनकी आंखों में धूल झोंकता रहा, तो क्या गुजरेगी उनके दिल पर, तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? नहीं आशा, तुम्हारा समाज, तुम्हारे ग्रैंडपा इस मिलाप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो सब मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ शंकर, अब मेरा समाज, मेरी दुनिया सब तुम पर आकर खत्म हो गई है। ये जज्बात की उठती हुई लहर है आशा, जिस दिन हकीकत की चट्टान से टकराएगी खत्म हो जाएगी। उस दिन वही करोड़पति की पोती आशा होगी और वही गरीब शंकर। तुम सिर्फ इसलिए मुझसे दूर रहना चाहते हो कि मैं अमीर हूँ? रुपया, पैसा, ऐश और आराम सब कुछ है मेरे पास। तुम्हारे साथ गरीबी में रहूंगी तो मर जाऊंगी। ओ शंकर, तुम ये क्यों नहीं समझते कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम्हारे बगैर अब मैं जिंदा भी तो नहीं रह सकती शंकर। शंकर, शंकर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो नहीं शंकर, तुम मुझसे इतना बड़ा मजाक मत करना शंकर, भगवान के लिए। शंकर कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वेल डन, वेल डन। वाह वाह साहब, आप किसी रोमांटिक हीरो से कम एक्टिंग नहीं करते। आपकी तारीफ। बता दो डियर, अपना नाम भी तुम्हारे होंठों से सुने में बहुत देर हो गई। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं मदन। मदन? ओ, तो आप हैं मिस्टर मदन? जी, मदन मल्होत्रा। मेरा ख्याल आप नकली मदन की कोई जरूरत नहीं, क्यों आशा? लेकिन मेरी गैर हाजिरी में जो आपने हम दोनों की मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
एक्टिंग आप काफी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन असल और नकल की आपको बिल्कुल तमीज नहीं। आइंदा से ख्याल रहे कि ड्रामे और हकीकत में काफी फर्क होता है। आवाश मत छुओ मुझे मत। ओ कम ऑन बेबी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। चलो आप अपने मदर को माफी कर दो। आओ कम ऑन। मल्होत्रा साहब बड़े बदतमीज हैं आप। ले जाओ इन दोनों को, मैं जरा अपने होने वाले सुसर से मिलके आता हूं। सुबह से गई हुई आशु अभी तक वापस नहीं आई, और अब वो आएगी भी नहीं। कौन है तुम? Allow me to introduce myself, Grandpa. मैं मदन हूं, मदन मल्होत्रा। मदन मल्होत्रा, ये क्या बकवास है? मदन मेरा होने वाला दामाद है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। तुम कैसे मदन हो सकते हो? जिसे आप मदन समझ रहे हैं वो दरअसल शंकर है, एक बदमाश लोफर लफंगा। खामोश! अगर एक भी लफ्ज़ और कहा तो। ठीक कह रहे राय साहब, जिसे आप मदन समझ रहे हैं वो दरअसल शंकर ही है। जी हाँ, मैं मदन ही हूँ, और इसका सबूत आशा का खत है। इसे पढ़िए। तुम्हारे नाने की वजह से मैंने एक आदमी को मदन बनाकर पेश कर दिया है। ग्रैंडपा ने मेरी सगाई उस आदमी से कर दी है। ग्रैंडपा को हार्ट अटैक होने की वजह से मैं उन्हें सच सच नहीं बता सकी। तुम जल्दी आ जाओ। तो ये बात, आशु कहाँ है और वो कमीना शंकर कहाँ है? शंकर की नजर आपकी दौलत पर थी। मेरे वापस आते ही उसको अपना खेल खत्म होते हुए नजर आया और उसने आखिरी दांव खेला। आखिरी दांव क्या? शंकर आशा को बहकाकर जबरदस्ती भगा ले गया। उस कमीने की ये मजाल। ठीक है, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप ग्रैंडपा? अगर आपने पुलिस को केस दिया तो जानते हैं क्या होगा? सारे मुल्क में खबर फैल जाएगी, राय बहादुर की पोती एक बदमाश के साथ भाग गई। लेकिन मेरी आशु का क्या होगा? उसे बचाकर ले लाओ। नहीं नहीं, मैं अपनी आशु के लिए इतना रिस्क नहीं लूंगा। मैं प्लीज ग्रैंडपा, जितनी मोहब्बत आप आशा से करते हैं उतनी मैं भी उससे करता हूँ। आप मुझ पर यकीन कीजिए, मैं अपनी जान पर खेल कर भी उसे उस बदमाश जलील कमीने के शिकंजे से बचाकर आपके पास सही सलामत लाऊंगा। प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब, आप ग्रैंडपा का ख्याल कीजिए। ओके। डॉक्टर, शंकर जैसा लड़का एक आवारा बदमाश के पास निकले, अब भी दिल यकीन नहीं करता। मुझसे शादी नहीं करोगी? क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा ना, मैं शंकर के सिवा और किसी से शादी नहीं करूंगी। मदन की शादी तो हर रात होती है, लेकिन तुमसे सिर्फ तुम्हारे दादा की दौलत के लिए शादी कर रहा हूं। तो ये है तुम्हारा असली रूप। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम मुझसे शादी करोगी और जरूर करोगी। आ! आ!
बिल्कुल नहीं। भगवान के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, मगर याद रखो जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूं, और अगर तुमने किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो उसका अंजाम तुम्हारे शंकर की मौत होगी। विजय देखो मेहमानों के खाते में कोई कमी न रह जाए। ये तो जल्दी जल्दी मैं सिर्फ शादी की रस्म पूरी कर रहा हूँ, रिसेप्शन तो मैं घर पर जाकर दूंगा, वो रिसेप्शन होगी जो दुनिया देखेगी। श्रीमान जी दूल्हे को बुलाइए। अरे वाह प्यारे, तुम तो गुरुओं के घंटाल निकले, दोस्त से छुपकर ही शादी कर रहा हो। कौन हो तुम? अच्छा रंग बदल रहे हो, आंख से आंख मिलाकर देखो प्यारे। क्या बदतमीजी। मोहन की आवाज। अरे बाप रे, चश्मे ने धोखा दे दिया, मुझे बगैर चश्मे के दिखाई नहीं देता। सुंदर ये तो उसी जालसाज शंकर का दोस्त है। रंगलाल निकाल दो इस कमीने को बाहर यहाँ से। हाँ, ये तुम ही हो, मैं हमेशा तुम्हारी आवाज से और तुम्हें छूकर ही पहचानती रही हूँ, आज भी मुझे धोखा नहीं हो सकता। तुम मोहन हो? मैं मोहन नहीं हूँ, निकल जाओ यहाँ से वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा, धक्के मार के बाहर निकाल दो इन्हें। मोहन मुझ पे तरस खाओ, क्या तुम इस बच्चे के बाप नहीं? मैं कुछ नहीं जानता। दादू सुन लीजिए क्या कह रही है। बोलो गंगा। इनका असली नाम मोहनलाल है, इन्होंने मेरी दौलत के लालच में मेरे अंधेपन का फायदा उठाते हुए मुझसे झूठी शादी का ढोंग रचाया। ये सरासर झूठ है, इल्जाम है। कितनी खतरनाक औरत है, अपना पाप मेरे से मान रही। अरे झूठों के बादशाह, ये तुम्हारे बाप को पुण्य बना रही है। गंगा जो कुछ कह रही है सच कह रही है, ये सब कुछ मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। आशा तुम भी बदमाशों की जान में आ गई हो, ये मौका इन लोगों की बातों पर ध्यान देने का नहीं। पंडित जी आप अपना काम जारी रखिए, बैठो आशा। ये मामला काफी गंभीर है, जब तक मैं अपनी तसल्ली नहीं कर लूंगा ये शादी नहीं होगी। खामोश, पहले शादी होगी फिर तुम अपनी तसल्ली पूरी करते रहना, अगर कोई भी यहाँ से हिला तो मैं गोली मार दूंगा, समझे? पंडित जी तुम शादी की रस्म पूरी करो। Thank you.
गंगा तुम? शंकर, यही मेरे पति हैं, मेरे बच्चे के पिता। क्या ये सच है? बोल। आशु, आशु। दादाजी। तुम दोनों ठीक तो हो ना? ठीक हूँ दादाजी। आशु, तुम्हें चोट तो नहीं है? ग्रैंडपा, आप आशा को वापस बम्बई ले जाइए। अच्छा बच्चू, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। अब तो तुम्हें उम्र कैद मिलेगी। क्यों आशु? जी नहीं, मैं आशा के काबिल नहीं हूं। एक चोर, बदमाश, पॉकेट मार का घर आप जैसे शरीफ आदमी का नहीं हो सकता। मेरा घर तो जेल है। शंकर, अगर तुम अपने आप को कानून की नजर में गुनाहगार समझते हो और इसके लिए तुम्हें जेल भी जाना पड़े, लेकिन हमारे दिलों में तुम्हारी इज्जत कम नहीं। वो तो ठीक है ग्रैंड पापा, लेकिन शंकर तू अकेला जेल नहीं जाएगा। तेरे साथ मैं भी पॉकेट मारा करता था, मैं भी तेरे साथ जेल जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर तेरे को भी हमारे साथ चलना है तो दो चार मार दे। गंगा बहन। हाँ मदन। माफ कर। आओ चलो, आओ चलो चलो। इस तरफ। किधर? थोड़ी भी शराबत नहीं। अरे हट जा जा रे जा, अरे जा 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 रे जा, अरे जा जा जा।